मक्का से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के दो छात्र गायब हो गए हैं। आठवीं क्लास के दो छात्रों के गायब होने से परिवार परेशान है। परिजनों की शिकायत पर थाना सेक्टर 58 में केस दर्ज किया गया है। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक स्कूल के पीछे वाले गेट से निकलते हुए देखे गए हैं दोनों छात्र। थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर आठवीं क्लास के दो बच्चे के गायब होने की खबर है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या खबर मिल रही है? बच्चों को अंतिम बार कब देखा गया था और अब इस पूरे मामले को किस तरह से पुलिस इसकी छानबीन कर रही है? बिल्कुल आशा, देखिए आपको बता दें, ये नोएडा में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है और यहाँ के ये दोनों छात्र हैं। और छात्र जब स्कूल से घर वापस नहीं लौटे तो उसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू करी थी और इसके बाद परिवार में भी हलचल मचा और जब पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने तत्काल मुकदमा भी दर्ज किया है और टीमें गठित कर दी है। फिलहाल सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं क्योंकि आठवीं क्लास के ये छात्र हैं दोनों और दोनों स्कूल के बैक गेट से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा पुलिस जो है वो किस रूट से ये निकले हैं वहां के सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि परिवार बेहद परेशान है और इस दौरान पुलिस का आश्वासन है कि जल्द ही बच्चों को खोज निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल तफ्तीश जारी है और अभी बच्चों का कोई पता नहीं लग सका है कि वो कहाँ है फिलहाल। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी देने के लिए। तो नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर नोएडा उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के दो छात्र गायब है, फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। और एल्विश यादव सिंगल फाजिलपुरिया पर शिकंजा, जल्द एक चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। सूत्रों के हवाले से खबर है, गाने से 50 लाख से ज्यादा की कमाई हुई थी। फाजिलपुरिया के गाने में सांप दिखाई दिए थे, दोनों की संपत्ति जब्त कर सकती है। इस पूरे मामले में ईडी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एल्विश की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। और इन तमाम खबरों के साथ यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ।